तो भगवान राम के जीवन में से अगर वे 14 वर्ष निकाल दिए जाएं, जब वो वन में रहते वनवास में, तो उनके जीवन में क्या बचता है? कितनी शहादत हुई, हताहत कितने हुए, उनका कहीं जिक्र नहीं है। इस उपन्यास में इतिहास के साथ कल्पना का कितना मेल है और सारे लिखे कागजों को एक बक्से में बंद कर दिया। ऐतिहासिक घटना के तथ्यों को आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। बार बार मुझे 100 साल बैक में जाना पड़ रहा था। वो अपने ही बनाए हुए सांचे को तोड़ता है और नया सांचा बनाता है। मानगढ़ वाला आदिवासी शहादत की घटना तो बहुत बड़ी घटना है। मैं ईमानदार से बता रहा हूँ, मुझे कोई फील्ड वर्क नहीं करना पड़ा, तो ज्यादा विकास तब्दीलियां नहीं हुई है। अब हमारा समय इस बात की अनुमति हमको नहीं देगा कि हम इन दो विषयों के साथ न्याय कर सकें। क्रेडेंट टीवी के इस बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम डियर साहित्यकार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। आज के कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं श्री हरिराम मीणा। मीणा जी कथाकार हैं, कवि हैं, यात्रा वृत्तांतकार हैं और एक स्तंभकार हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों में इन सारी विधाओं में रचना करने के साथ साथ उन्होंने जो एक और बड़ा काम किया है और जिसके कारण उनकी ज्यादा बड़ी पहचान पूरे देश में और पूरी दुनिया में बनी है, वो है एक आदिवासी विमर्शकार के रूप में। आज उनकी गणना देश और दुनिया के शीर्षस्थ आदिवासी विमर्शकार के रूप में की जाती है। मीणा जी, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। सर नमस्कार, तो आपका धन्यवाद, आभार। नमस्कार। मैं इसी आदिवासी विमर्श से ही अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को ये बताएं कि आदिवासी विमर्श से क्या आशय ग्रहण किया जाए और इसकी प्रासंगिकता, महत्ता और उपादेयता क्या है। इसी के साथ एक प्रश्न मैं और जोड़ दूं ताकि आप थोड़ी देर बोल सकें, मैं बीच में हस्तक्षेप ना करूं, और वो प्रश्न यह है कि ये आदिवासी विमर्श दलित विमर्श से किन अर्थों में भिन्न है। सर एक्चुअली ये जो सन 1980 के बाद खास करके नए विमर्श उभरे हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनमें हम स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और उसके बाद में आदिवासी विमर्श को देखते हैं और आगे जो चल रहा है या संभावना है उन संभावित विमर्शों में, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग का आ जाए या माइनॉरिटीज का आ जाए या और भी दूसरे जो तबके हैं समाज के, उनके विमर्श भी आएंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इन विमर्शों का हमें स्वागत यों करें कि ये हमारे साहित्य की परंपरा में जो छूट गया था, जो स्पेस रह गए थे, जो खालीपन रह गया था, यथा स्त्री को कितना स्पेस दिया और कितना आधिकारिक स्पेस दिया, इसी तरह यही बात दलित पे लागू होती है, यही आदिवासी या अन्य विमर्शों पर लागू होती है। इसलिए हमें इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और जब हम उस दर्पण में समाज देखते हैं तो उसमें स्त्री आधी अधूरी नजर आती है, उसमें दलित भी ऐसा ही नजर आता है और आदिवासी या अन्य जो सामाजिक तबकों की जो अभिव्यक्तियां हैं उनको हम देखते हैं। तो इसलिए ये साहित्य को और ज्यादा समृद्ध करने की धाराएं हैं, इसलिए इसको ये कह करके नहीं टालना चाहिए कि साहित्य तो साहित्य होता है, इसमें क्या स्त्रीवादी, क्या दलितवादी, क्या आदिवासी। मैं ऐसा मानता हूं। दूसरा, मैं आदिवासी साहित्य को आदिवासी एक सामाजिक घटक के रूप में लेना
एक स्तर पर सोचना है, जैसे कि हमने स्त्री चेतना के साहित्य को लिया, दलित जागृति के साहित्य को देखा, आदिवासी साहित्य को मैं सामाजिक घटकीय साहित्य से आगे देखता हूं। वो इसलिए देखता हूं कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर और प्राकृतिक संसाधनों के भी अंधाधुंध दोहन की कीमत पर जो भौतिक विकास की बात की जाती है, वो भौतिक विकास अंततः आर्थिक उन्नति में सीमित रह जाता है। विकास की जो बहुआयाम है उनकी परवाह नहीं की जाती, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी को खतरा या पारिस्थितिकीय असंतुलन, या जब पिछले साल यूएनओ ने क्लाइमेट समिट किया तो उसमें जो ग्रेटा थुनबर्ग है स्वीडन की, वो किशोरी जिसने सारे राष्ट्राध्यक्षों को एक डांट एक तरह से पिलाई थी कि आप लोगों ने नई पीढ़ियों की के भविष्य को बर्बाद कर दिया, हमारे नदी नाले, हमारा बचपन, हमारा धरती, आसमान, हमारी हरियाली सब कुछ छीन लिया। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो आदिवासियत यानी कि ट्राइबलिज्म यानी कि आदिवासी दर्शन, संस्कृति, सोच, वैचारिकी, ये सारा का सारा हमारी पृथ्वी पर जो ये संकट गहराते जा रहे हैं उनको दूर करने के लिए भविष्य का बेहतर विकल्प मैं मानता हूं। इसलिए आदिवासियत को उन सामाजिक घटकों के विमर्श से आगे व्यापक पैमाने पर हमें देखना चाहिए, क्योंकि आदिवासियत मनुष्य के अलावा प्रकृति तत्वों और मानवेतर जीव जगत के साथ एक तालमेल की भावना के साथ जीवन शैली अपनाने का आग्रह करता है, ये सीख हमें देता है। इसलिए दूसरी बात हम करें, हम आधुनिक लोकतंत्रों में जीवित हैं, चल रहे हैं, हमारे लोकतंत्र बहुमत पर आधारित है, जिनमें 30-32% मत पाने वाले दल या दल के संगठनों को भी 2/3 majority से ज्यादा सीटें मिलने की संभावनाएं बन जाती है, जबकि आदिवासियत बहुमत के सिद्धांत की बजाय सर्वमत के सिद्धांत पर आधारित है। आदिवासी परंपरा में जो गणतंत्र रहे हैं ठेठ प्राचीन काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेके महाजनपदों से लेके और भी उनकी जो बड़े गणतंत्रीय प्रणाली और छोटी जो पंच क्षेत्रीय या गोत्र पंचायत है उनमें जो फैसले किए जाते रहे हैं वे सर्वमत से होते रहे हैं, ना कि बहुमत से। अगर कहीं असहमति है तो उसको भी वो आपस में विचार विमर्श करके और सहमति की तरफ ले जाने का एक मन रखते हैं। इसलिए जब रूसो की जनरल विल की अपन बात करते हैं तो वहां भी बहुमत की बजाय सर्वमत को अहमियत दी जाती है। इसलिए वह लोकतंत्र अगर बहुमत से धीरे धीरे शिफ्ट होकर सर्वमत की तरफ चला जाए तो वह आदर्श लोकतंत्र होगा, ये आदिवासियत हमें सिखाती है। दूसरी बात, एक अन्य बात ये कि ये जो आधुनिक दौर है जिसे ग्लोबलाइजेशन का दौर कहते हैं हम, चाहे उदारवाद है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, ये सारा का सारा आर्थिक उन्नति जैसे मैंने कहा भौतिक समृद्धि का आग्रह करता है। उस दृष्टि से अमेरिका या यूरोप के देश सर्वोच्च माने जा सकते हैं, लेकिन जब हम हैप्पीनेस के ग्राफ में देखेंगे तो जो दूसरे देश है, अब से 3-4 साल पहले तक भूटान टॉप पे रहा, जहां औद्योगिकरण नहीं है, जहां कृषि पर आधारित जीवन है, जहां देहाती जीवन है। इसी तरह अब जो लेटेस्ट 2019 की रिपोर्ट में फिनलैंड को माना गया है, वहां भी सारा का सारा जोर प्रकृति तत्वों के साथ या प्रकृति के प्रति एक अच्छी भावना, उसका संरक्षण करते रहने के हिसाब से देखा जाता रहा है। तो अगर आपको चुनना है कि आपको भौतिक समृद्धि बनाम खुशहाली में से किसको आप तवज्जो देंगे, अगर खुशहाली को देंगे तो खुशहाली के ग्राफ में अमेरिका या यूरोप के जिन देशों को भौतिक समृद्ध कहते हैं वो खुशहाली के ग्राफ में बहुत नीचे हैं।
तो ये जो खुशहाली का जो एक एक एक, एक समझ देता है वो भी आदिवासियत में हमको नजर आता है। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि भारतीय संदर्भ में आदिवासियत क्या है। देखिए एक सूत्र है ऋग्वेद का, ऋतस्य यथा प्रेत है। इसका मतलब है कि प्राकृत नियमों मतलब प्राकृतिकता के साथ मतलब प्राकृतिक तत्वों और मानवेतर जीव जगत और मनुष्य ये तीनों ही संपूर्ण प्रकृति में आते हैं सृष्टि में, इनके साथ तालमेल के साथ जो जीवन दिया जाता है वही आदर्श जीवन है। दूसरी बात, अगर भगवान राम के जिनके लेकर के पिछले दिनों से खूब चर्चा है और ये मंदिर भी बना बनने की तैयारी चली रही है, तो भगवान राम के जीवन में से अगर वे 14 वर्ष निकाल दिए जाएं जब वो वन में रहते हैं वनवास में, तो उनके जीवन में क्या बचता है? वहां इतने प्यारे प्यारे आदमी उनको मिलते हैं, केवट, शबरी, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत जैसे कूटनीतिक, जटायु, नल नील जैसे इंजीनियर्स, विभीषण वगैरह। तो उनके इन 14 साल के अलावा क्या है? भगवान कृष्ण का गोपालक रूप है, जो देहाती रूप है, जो प्रकृति के निकट रहने वाला रूप है, वो हमें भगवान कृष्ण को बड़ा बनाता है, ना कि महाभारत युद्ध के दौरान के भगवान कृष्ण, चाहे वो शुरुआत में समझाइश करें या अर्जुन को लड़ाने के लिए वो प्रेरित करें, जो भी है। तो ये भगवान बुद्ध की बात करें तो जो संघ की बात करते हैं, भगवान महावीर स्वामी की बात करें तो अपरिग्रह की बात करते हैं। तो क्रम से भगवान बुद्ध का संघ यानी कि सामूहिकता का जीवन और भगवान महावीर स्वामी का अपरिग्रह का जीवन, जहाँ निजी पूज्य की भयावहता से बचने के लिए हमें कम से कम संसाधनों में जीवन जीने की आदा कला सिखाते हैं, या फिर आ जाइए आप महात्मा गांधी पे लेटेस्ट जो ये कहते हैं कि इस धरती के पास अनंत काल तक सभी प्राणियों का पेट भरने की क्षमता है लेकिन किसी एक भी लालसी मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकती। तो ये हमारी ऋग्वेद से लेकर के महात्मा गांधी तक की परंपरा है, या आज जो ग्रेटा थुंगबर्ग कह रही है यूएनओ में, और आज जो चिंता है लोगों की कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, ये सारी की सारी चीजें पहले से आदिवासियत में मौजूद है। आदिवासी दर्शन, संस्कृति, विचार की सोच, समझ, जीवन शैली में, तो इसे मैं एक आदिवासियत के रूप में देखता हूं। इसलिए आदिवासी विमर्श या आदिवासी समझ ये किसी सामाजिक घटकीय समझ तक सीमित नहीं है, प्रत्युत पृथ्वी के सामने बेहतर भविष्य का विकल्प प्रदान करने की क्षमता रखती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जब हम हमारे पाठ्यक्रमों में, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में पुरुषोत्तम राम, ऋग्वेद से लेके पुरुषोत्तम राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, राष्ट्रपिता गांधी वगैरह वगैरह को पढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं आदिवासियत को। मीणा साहब, आप बिल्कुल सही बिंदु तक पहुंच गए हैं और यहीं से मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकता हूं। आपने आदिवासी विमर्श की सैद्धांतिकी पर बहुत काम किया है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण आपका यह काम है उतना ही महत्वपूर्ण आपका सृजनात्मक काम भी है। मुझे याद है 2008 में आपका एक उपन्यास आया था धूणी तपे तीर। इस उपन्यास की खूब चर्चा हुई, खूब सराहना हुई, इसे खूब पुरस्कार मिले और अब ये बहुत सारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है, कई जगह इस पर शोध कार्य हो रहा है। मैं जब आप पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे और जो आपकी आकांक्षा है, जो हम सबकी आकांक्षा है, वो आकांक्षा इस रूप में पूरी भी हो रही है। मैं विशेष रूप से अपने विद्यार्थी दर्शकों को ध्यान में रखकर ये प्रश्न करना चाह रहा हूं कि इस उपन्यास धूणी तपे तीर को लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? आदरणीय अग्रवाल साहब, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपको साहित्य के प्रति रुझान की प्रेरणा कहां से मिली, तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि रचनात्मक साहित्य के तंतु कब, कहां, कैसे विकसित हुए। लेकिन धूणी तपे तीर के बारे में यह बात फिट नहीं बैठती, वहां मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। और मुझे वो स्रोत, वो प्रेरणा का सबसे पहला जो एक चेतना बिंदु उभर कर सामने आता है,
मैंने अब से कोई 30 साल पहले 1991 की बात है, उदयपुर से आदिवासियों पर केंद्रित एक पत्रिका अरावली उद्घोष त्रैमासिक निकला करती रही है, और उसके संस्थापक संपादक बीपी वर्मा जी, जिनका उपनाम था पथिक बाबा के नाम से, हम जानते हैं उनको, आप भी परिचित हैं उनसे, मुझे ध्यान है, उनके उस किसी एक अंक में मैंने मानगढ़ की शहादत के बारे में कोई संदर्भ पढ़ा था। तब फिर जाकर के तभी से मैं लग गया कि मेरे राजस्थान में इतनी बड़ी बलिदान की घटना हो जो उपनिवेशवादी ताकतों और देसी रियासती ताकतों की जो ये बड़ी रोचक बात है कि आपको भी इस शहादत की पहली जानकारी पथिक जी की पत्रिका के माध्यम से 1991 में मिली। जी जी हाँ बिल्कुल, उससे पहले बिल्कुल मैं अनभिज्ञ था, और मुझे एक तरह से एक आश्चर्य हुआ कि मैं राजस्थान का रहने वाला और मुझे ये पता नहीं है, जबकि उस वक्त तक तो मेरा आप देखिए कि उम्र भी 40 साल के आसपास हो गया था, 52 का मेरा हुआ है, तो 40 साल तक की जो एक 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 परिपक्व आयु होती है तब तक मुझे ध्यान नहीं, जबकि थोड़ा वो पढ़ने लिखने का इधर उधर शौक था नहीं जो भी है, तो वहां से ये मिला। फिर मैंने इसमें कुछ सामग्री एकत्रित की, मैं मानगढ़ पर्वत है बांसवाड़ा से, हमारे दक्षिण राजस्थान के जिला बांसवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर गुजरात और डूंगरपुर जिले की सीमा पर, और वहां मानगढ़ एक पहाड़ी है 600 फीट की हाइट पे, उस पहाड़ी पर एक पठार नुमा एक लंबाई चौड़ाई है जहां पे आज की तारीख में या तब भी करीब 1 लाख आदमी इकट्ठा हो सकते हैं, चाहे वो मेला हो या कोई बड़ी सभा हो। तो उस पर ये घटना घटित हुई थी रियासती और ब्रितानी हुकूमत की संयुक्त फौजों से लड़ते हुए। उस पे मैंने बुजुर्गों से बात की और कोई संदर्भ मिले, लोक में कोई चर्चा है वगैरह वगैरह, फिर मैंने एक जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहला एक लेख, ये 2002 के आसपास की बात है जब मैंने दैनिक भास्कर में एक लेख लिखा जो उन्होंने प्रमुखता से छापा था, फिर बाद में मैंने कहा नहीं इस पे काम और होना चाहिए, फिर मैं वहां की एक यात्रा वृतांत के रूप में मैंने इसको सामग्री संकलित की, जो हमारी पहल पत्रिका है ज्ञान रंजन जी निकालते हैं उसमें ये यात्रा वृतांत छपा था। उसके बाद भी मेरा काम चालू रहा, तो लेख और यात्रा वृतांत के बाद बात मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, तो मैंने एक लंबी कविता करीब 30-32 प्रिंटेड पेज की वो लिखी इस मानगढ़ की घटना पर, इस आदि जिसको आदिवासी जलियांवाला के रूप में हम जानते हैं, वसुधा भोपाल से जो प्रलेस की पत्रिका है उसमें उस यात्रा वृतांत को, उस लंबी कविता को छापा। उसके बाद आपको टोकूंगा, ये मानगढ़ की घटना को आदिवासी जलियांवाला बाग आपके संज्ञान में ये बात आई उससे पहले भी कहा जाता था, या आपने विशेष रूप से जब इसको लोगों के ध्यान में लाने के अनेक प्रयास किए उसके बाद से जाना जाने लगा? नहीं, जब मैं सामग्री इकट्ठी कर रहा था तब वहां के लोक में आसपास ये चर्चाएं होती थी कि भाई कोई अमृतसर में इस घटना मानगढ़ की घटना से 6 साल बाद में, मतलब 1919 में, ये घटना मानगढ़ की घटना तो 1913 की है, 1919 में एक बड़ी शहादत की घटना हुई अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया जा रहा था, और वो अमृतसर के जो जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई उसमें करीब 400 के आसपास आदमी शहीद हुए, वो तो जग जाहिर है क्योंकि सिटी में था, तत्कालीन मीडिया ने ध्यान दिया, बाद में भी आजादी के बाद भी उसको इतिहास में शामिल किया गया, और लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी घटना यहाँ इन जंगल में हो जाए उसका कोई पहचान नहीं था, और उस चूंकि ऐसी घटना अंग्रेजों ने जिस कदर घेर करके जलियांवाला बाग में लोगों को मारा था जनरल डायर के नेतृत्व में, उसी तरह यहां भी मेवाड़ भील कौर के कमांडेंट जेपी स्टॉकले, कैप्टन जेपी स्टॉकले की अगुवाई में अंग्रेजी और रियासती फौजों ने मिलकर के आदिवासी पंचायत को घेर करके गोलियां चलाई थी, इसलिए जो एक तरह का जो स्टाइल था ना उनको मारने का शहादत का, वो एक जैसा था, इसलिए उसको
जलियांवाला आदिवासी जलियांवाला के रूप में चेतना थी। जी वहां ऐसे ही संदर्भ थे, लेकिन मैंने जब इसको उपन्यास को 2008 में तैयार करके जब प्रकाशक को दिया और विकास नारायण राय साहब ने छापा, तो उन्होंने ये सलाह दी कि इसमें हम ब्रैकेट में आदिवासी जलियांवाला कांड लिख देते हैं। एग्जैक्टली ये जो नोमेनक्लेचर है आदिवासी जलियांवाला कांड, ये तभी से प्रमुखता से आया है जो जैसा कि आप कवर में दिखा रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा था इतना ही लिखना है इसमें, धोनी तपे तीर। फिर उन प्रकाशक का आग्रह ये था कि नहीं, हम इसमें उपशीर्षक को प्रमुखता से देंगे, इसलिए आप कलर कॉम्बिनेशन में भी देखिए उसको लाल रंग से बताया गया है, आदिवासी जलियांवाला। तो तब से ये आदिवासी जलियांवाला कहा जाने लगा, मेरा ये मानना है। उससे पहले कहीं यदा कहीं कोई संदर्भ आए हो तो बात अलग है, जैसा मैंने आपको संकेत दिया। जी जी। इसकी सामग्री संकलन में आपको कितना समय लगा मीना साहब? जब सामग्री संकलन तो आप देख लो 91 से काम कर रहा था, 9 साल तो वो हो गए, 8 साल वो हो गए, 8, 9, 17 साल हो गए। इवन देन सामग्री संकलन तो अभी भी चालू है, लेकिन हमें धोनी तपे तीर छपने से पहले या उसको पांडुलिपि तैयार होने से पहले काफी सामग्री मिल गई थी। सामग्री की हम बात करें तो आप देखिए, एक तो वहां पे अंचल का एक कई बार कोई आधा दर्जन बार 5-6 बार वहां पे भ्रमण करना, बुजुर्गों से बात करना, चूंकि 1913 को जब मैं काम कर रहा था 2008 से पहले, तो 100 साल के आसपास होने वाले थे और 100 साल में चौथी पीढ़ी के दिलो दिमाग में वो स्मृतियां रहती है जो उनके नाना बाबा परदादा परनाना के वक्त की घटनाएं घटित हुआ करती होंगी या होती रही है। तो जैसे मानगढ़ धाम विकास समिति के अध्यक्ष नाथुराम जी से मैं मिला और उनकी स्मृतियों में था, उन्होंने बताया कि मेरे नाना शहीद हुए और उनके नाना का एक साफा जो संभवतः खून आलूदा जिसको हम ब्लड स्टेन्ड कहते हैं वो होगा और गोली के निशान भी होगा, और वो साफा मैंने देखा है एक पुलिस अफसर की हैसियत से, एक इन्वेस्टिगेटर की हैसियत से। और मेरा मन ये था कि हम उस साफा का बाद में कभी मौका मिले जब FSL परीक्षण कराएं और उसका कार्बन डेटिंग और FSL से पता लग जाता है कि ये जो इसमें ब्लड अगर है जो कि मुझे लगा तो ब्लड स्टेन्स कब के हैं, ये पता लग जाता है। लेकिन मैं जब 3-4 साल बाद दोबारा गया तो नाथुराम जी ने मुझे बड़ा एक ऐसी सूचना दी कि साहब दिल्ली से कोई आए थे NGO वाले NGO बनके और उन्होंने कहा था कि हम इस घटना को मानगढ़ धाम की शहादत को जग जाहिर करेंगे और वो साफा को मांग के ले गए। मैंने कहा वारे भोले आदिवासी नाथुराम जी जो MLA भी रहे थे जनता पार्टी के राज में, उनसे वो साफा ले गया और वो एकमात्र एक बड़ा प्रमाण था जिससे हम उस साफा के आधार पर लिंक जोड़ सकते थे। और उस NGO ने उसका कोई उपयोग नहीं किया? हाँ उसका नहीं हो पाया। अब देन फिर मेवाड़ भील कौर जो खैरवाड़ा में है, जो अंग्रेजों ने सन 1841 में उसकी स्थापना की थी और आदिवासी विद्रोह को दबाने के लिए आदिवासी युवकों की ही भर्ती करने के मकसद से उसको किया था, ताकि फौजी भी आदिवासी हो और जो संघर्ष करने वाले विद्रोही है उनके हिसाब से, और हमारी आजादी के जो लड़ाकू थे वो भी आदिवासी, तो उनको आदिवासी को आदिवासी से ही भिड़ाया जाए। तो उस मेवाड़ भील कौर को आजादी के बाद भी चालू रखा है, पहले आजादी से पहले उसके कमांडेंट, उसका नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था, उसके बाद में हमारे देसी अफसरों के हाथ में आ गया। तो मेवाड़ भील कौर का रिकॉर्ड मैंने देखा, उसमें मुझे काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अच्छा। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो दिल्ली में है वहां से काफी डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ इतिहास ग्रंथों में भी जिक्र मिला है। लेकिन विडंबना की बात ये देखिए कि राजस्थान के जो महान इतिहासकार माने जाते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, जो अजमेर रहे, उनका गांव तो आपके सिरोही जिले में रोहिड़ा पड़ता ही है, उस मानगढ़ उन्होंने देसी रियासतों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा का इतिहास लिखा है, लेकिन मानगढ़ के इतने बड़े आदिवासी बलिदान पर एक तरह से कुछ भी नहीं लिखा। ये हमारे इतिहासकारों के प्रति सोचने का, इतिहासकारों का नजरिया है। ये
मैं उनको दोष नहीं देता, वो जमाना ही ऐसा था। उन्होंने एक पत्र में लिखा भी था किसी जागीरदार को कि एक साहित्यकार का सारा काम निरर्थक हो जाएगा अगर उसने अपने काल के शासकों के हितों का ध्यान नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जानते हैं सोनलाल पटनी जी को सिरोही में, आप खूब अच्छे उनके दोस्त रहे हैं, बेशक आपसे सीनियर रहे होंगे वो। और उन्होंने जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा का व्यक्तित्व और कर्तित्व नामक किताब लिखी है, उसमें ये पोस्ट कार्ड का जिक्र है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एनीवे, जो भी है, तो ये सामग्री संकलित करना इसके लिए। फिर ये अब अंग्रेजों के जितने दस्तावेज मिले उनमें किस तरह मानगढ़ ऑपरेशन किया जाए, मतलब गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो आदिवासी आंदोलन उभर रहा है जिसको वो उपद्रव विप्लव कह रहे थे, और रियासतों के महारावल या उनके शासक है वो चिंतित थे, वो अंग्रेज से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और वो सारा प्लान बना रहे हैं। एक महीना पहले जो कमिश्नर बोरो है वो आकर के वहां का दौरा करके जाता है, पूरी टोपोग्राफी, पूरी जियोग्राफी, पूरे आने जाने के रास्ते, क्या बाधाएं आएंगी फौज के लिए, फौज का मूवमेंट कैसे होगा, ये सारा उन्होंने बाकायदा मैप बनाया हुआ, रेखांकन किया हुआ। तो एक महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं, फौजें जगह जगह से आ रही है, करीब 7 कंपनियां, एक कंपनी में 120 फौजी होते हैं अफसर मिला के और कैरियर मिला के, 120 × 7 मतलब करीब 800 की तादाद में फौजियों की संख्या, तो तादाद में तो अंग्रेजी फौज थी, अंग्रेजी जैसे मेवाड़ भीलकौर, जैसे राजपूत बटालियन, जाट बटालियन, वेल्सलीज रेजिमेंट, और उतनी ही फौजें इन रियासतों की होती है, चाहे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, कुशालगढ़ है, प्रतापगढ़ है, मेवाड़ है। तो ये करीब 1500-1600 की तादाद में जो हथियारबंद फौजी वहां जाते हैं उनका बाकायदा मूवमेंट ये सब मिला है। लेकिन कितनी शहादत हुई, हताहत कितने हुए, उनका कहीं जिक्र नहीं है। और ये उनको छुपाने का होगा, तत्कालीन मीडिया वहां तक पहुंच नहीं पाया, तो वो घटना। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आती वो ये है कि जितना असला, मतलब गोला बारूद लेके ये फौजें अपनी हेडक्वार्टरों से रवाना हुई और वापस उनमें से कितना जमा कराया, उसका जो फर्क है उसके आधार पर हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी शहादत हुई होगी। मेरे आकलन के हिसाब से मौके पर 700-800 आदमी शहीद हुए और 700-800 आदमी ही घायल हो गए, जिनके इलाज के अभाव में वो ला इलाज होके सेप्टिक होकर के बाद में मरे। कुल मिला के 1000-1500 करीब की शहादत मानी जाती है, जिसमें से करीब 300 के तो नाम भी अब तक पहचान लिए गए हैं। इतनी विशद जानकारियां आपके पास इस मामले की हैं, तो जब आप उपन्यास लिखने बैठे तो निश्चय ही आपके मन में ये बात तो रही कि मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ, इतिहास नहीं लिख रहा हूँ। और जब आप उपन्यास लिखते हैं तो आपको 24 कैरेट सोने में कुछ मिलावट करनी ही पड़ती है। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि इस उपन्यास में इतिहास के साथ कल्पना का कितना मेल है, और कहाँ, अगर एक दो प्रसंग आप बताएं तो हमारे विद्यार्थियों को विशेष रूप से अच्छा लगेगा कि आपने कैसे यथार्थ के साथ कल्पना को जोड़ा है। डॉक्टर साहब, ये जो रचना प्रक्रिया का पहला पार्ट तो ये है कि सामग्री संकलन, और दूसरा पार्ट उसका है कि उस संकलित सामग्री को मैं लिपिबद्ध कैसे करता चला जाऊं। मन तो इतिहास लिखने का था, इच्छा भी, लेकिन मैं इतिहासकार नहीं था, मैं कथाकार भी नहीं था, मैं तो उससे पहले कविताएं लिखी थी या यात्रा वृत्तांत थी, लेकिन मैंने सोचा इतिहास लिख नहीं पाऊंगा, यात्रा वृत्तांत लिख दिया, लेख लिख दिया, कविता लिख दी, तो क्या लिखूं। उस बड़ी शहादत की, इतनी बड़ी घटना की कोई संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, ये तो इसमें तो बैठेगा नहीं, तो लंबा काम चाहिए। तो मैंने उस ऐतिहासिक घटना को फिक्शन के रूप में पेश किया। उसमें मुझे बिल्कुल कई बार दिक्कत आई, एक आध बार तो मैंने ये सोचा कि छोड़ो, कहां झंझट में पड़ गए, और सारे लिखे कागजों को एक बक्से में बंद कर दिया था, लेकिन नहीं। उसमें देखो, ऐतिहासिक घटना के साथ में जब आप फिक्शन लिखेंगे तो आपको उसके साथ
थोड़ा मैं उसको छेड़खानी तो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन कुछ मसाला आप अपनी तरफ से डालने का स्पेस रहता है फिक्शन में, लेकिन ऐतिहासिक घटना के तथ्यों को आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। इसलिए आप देखिए उसमें घटनाओं की बात करें तो चाहे वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या बहुआयामी शोषण वगैरह वगैरह जो है, वो घटना करीब 30% सही है, 70% काल्पनिक। पात्रों का भी यही है। जहां तक प्रकृति चित्रण का सवाल है तो वो तो देखो प्रकृति ऐसी थी और प्रकृति बदलाव यो हुआ कि जंगलों पर अतिक्रमण हो गए, नदियां सिकुड़ गई, नाले झरने बहने से रुकते जा रहे हैं, लेकिन कमोबेश प्रकृति चित्रण वही जो 100 साल पुराना क्या हो सकता था। मुझे बार बार ये इस बात को मैं रेखांकित करना चाहूंगा, इस बिंदु को, कि बार बार मुझे 100 साल बैक में जाना पड़ रहा था, चाहे वो चरित्र चित्रण है, चाहे घटनाओं का वर्णन है, चाहे प्रकृति चित्रण है, चाहे मनोदशा जो आती है, साइकोलॉजी आती है जो भी पात्रों की, तो बार बार 100 साल बैक में जाना होता था ताकि मैं ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में ज्यादा छेड़खानी की लिबर्टी नहीं ले सकूं। अच्छा, इस उपन्यास को लिखने में कितना समय लगा आपको? डॉक्टर साहब, ये मैं 2002 से मैंने काम शुरू किया था, 2002 से थोड़ा थोड़ा लिख रहा था, फिर बीच में मैंने बताया ना वो तीनों विधाएं बन गई, लेकिन ये एक कहानी के रूप में चलता रहा। ज्यादा काम मैंने इसमें 2004 से 2008 के बीच में किया है, और आप देखिए ज्यादा लिखने का काम, सामग्री संकलन वगैरह काम 80% पहले हो गया था, लेकिन जब मैं चूरू जिला में SP था और एक ऐसी एक्टिव वो होती है उसमें नौकरी, वक्त बहुत मुश्किल से निकालना होता है, और उससे पहले तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स में था जहाँ वक्त मिलता था, तो वहां तो मैंने सामग्री तो पहले इकट्ठी कर ली, लेकिन लेखन कार्य का 80% जो है, और वो भी फाइनल ड्राफ्ट के रूप में भी शामिल उसमें, वो मैंने चूरू के एक एक्टिव पुलिस कर्म, बहुत ही सक्रिय व्यस्त जो था मेरी नौकरी, उसके दौरान किया, और मुझे ध्यान में रात को 10, 11, 12, 1, 2 बजे भी आता तो 1 घंटा में मेरे अध्ययन कक्ष में जरूर बैठा करता था। तो ये पूरा जो काम है आप मान लीजिएगा 2004-5 से लेकर के 2008, इन 4-5 सालों में हुआ। मीना साहब, आपका ये उपन्यास 2008 में आया और बहुत ये लोकप्रिय भी हुआ, इसको बहुत आदर सम्मान मान सराहना आलोचकीय प्रशंसा सब कुछ मिली। कोई भी व्यक्ति इतना सब पाने के बाद और अपने विषय पर इतना अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद इसी विषय पर कुछ और लिखता है, लेकिन एक बड़ा रचनाकार ये नहीं करता है, वो अपने ही बनाए हुए सांचे को तोड़ता है और नया सांचा बनाता है। आपने भी यही किया। 2008 के बाद 2019 में आपका दूसरा उपन्यास आता है, हालांकि इस बीच आप बराबर सक्रिय रहे हैं, बहुत सारी विधाओं में बहुत सारा काम आपने किया है, लेकिन इस उपन्यास की महती सफलता के बाद आपका दूसरा उपन्यास बिल्कुल दूसरी जमीन पर आता है, डांग। आपने उसके लिए कहा भी है, डांग के आवरण पर ही ये बात लिखी हुई है कि यहाँ डूंगर, डंगर और डाकुओं के क्षेत्र की कथा है। आपने आदिवासी जो क्षेत्र है उसको छोड़कर एक नया क्षेत्र अपनी कथा के लिए चुना है। जरा इस उपन्यास के बारे में बताएं, हमारा समय तो बीत रहा है लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को इस उपन्यास के बारे में भी जानकारी मिले। देखिए, मानगढ़ वाला आदिवासी शहादत की घटना तो बहुत बड़ी घटना है, वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानना जाना चाहिए जिसको। उस पर तो एक अंदर से था कि मुझे लिखना है, मैं लिखता रहा उस पर, और अंततः उपन्यास के रूप में आया। वो घटना स्थल में जहां से, जहां का रहने वाला हूं पूर्वी राजस्थान,
उससे काफी कुछ भिन्न है क्योंकि वो दक्षिणी राजस्थान में है। मुझे कई चुनौतियां भी आई, भाषा की भी आई, थोड़ी बहुत सांस्कृतिक जो है असमानता उसकी भी आई, एनीवे। लेकिन डांग के और उसके लिए धुनी तपे तीर के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ा, फील्ड वर्क। डांग के लिए मैं ईमानदार से बता रहा हूं, मुझे कोई फील्ड वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा फील्ड वर्क ऑलरेडी हो चुका था। मैं वहां 10 साल लगातार एक पुलिस अधिकारी के रूप में नौकरी की है, वहां पे मैं भरतपुर रहा, मैं धौलपुर रहा और फील्ड ऑफिसर के रूप में रहा, एज डिप्टी एसपी, एज एडिशनल एसपी, और फिर मैं रहने वाला संयुक्त करौली और सवाई माधोपुर जिले का। तो डांग क्षेत्र में हमारे राजस्थान का, खास करके सवाई माधोपुर, खास करौली, धौलपुर, भरतपुर एंड आगे चले जाइएगा आप थोड़ा सा चंबल के किनारे कोटा तक, उधर जाता है। लेकिन मैं राजस्थान का हिस्सा ये है जिसका मुझे अनुभव। दस्यु उन्मूलन जो अभियान थे उनमें मैंने जो चंबल का निकटवर्ती मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाके हैं उनके करीब दर्जनों दर्जनों जिलों का बिल्कुल भ्रमण किया। और हम वहां तो ये कहावत थी भरतपुर रेंज में, मतलब जो भरतपुर जो डांग का इलाका है राजस्थान का दस्यु प्रभावित, कि अगर डांग में दस्यु समस्या पे नियंत्रण पाना है तो एक पुलिस अफसर की एक टांग इधर रहे और एक टांग रहे कभी यूपी में और कभी मध्य प्रदेश में, क्योंकि ज्यादातर गैंग उधर के एक्टिव जो इधर आते हैं, इधर के एक्टिव उधर जाते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बनता है चंबल का। इसलिए चंबल के इर्द गिर्द की जमीन का, वहां के लोगों का, वहां के इतिहास का, वहां की संस्कृति का, वो मुझे एक सीधा सीधा अनुभव था मेरे जहन में आज भी। हालांकि उस इलाके को छोड़े हुए तो वही करीब 30 वर्ष हो चुका, मैं 90 में निकला था वहां, 90 में 30 वर्ष के बाद भी, चूंकि मैंने लगातार 10-12 साल काम किया वहां, जहन में अभी भी वो स्मृति है। मैं पूछता रहता हूँ, मैं अपडेट हुआ ज्यादा फोन कर करके, भाई वो कैसा है अब, वो जो जो घटना स्थल है जो दशों संभव होंगे जो इस जिक्र किया इस डांग में, वो जंगल कैसा है, वो कांस की बावड़ी कैसी है, विचारों का ताल कैसा है, रमदा कैसा है, वो रमदा के भैरू जी का क्या हाल है, तो सड़कें वगैरह कोई ज्यादा विकास तब्दीलियां नहीं हुई है। इसलिए मेरा सीधा अनुभव पर आधारित है। और यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि 80% से ज्यादा पात्र और घटनाएं वो सही है। इन दो उपन्यासों पर हमने बात की, मैं आपके यात्रा वृत्तांतों और कविताओं पर भी बात करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारा समय इस बात की अनुमति हमको नहीं देगा कि हम इन दो विषयों के साथ न्याय कर सकें। इसलिए मैं उन दो विषयों पर चर्चा हमारे किसी अगले एपिसोड के लिए छोड़ता हुआ एक और प्रश्न पर आता हूं, और वो यह कि इन दिनों आपने लंबे समय से स्तंभ लेखन भी किया है, ये जो एक ऑन डिमांड लेखन है और एक निश्चित समय में और एक निश्चित आकार में लिखने के दबाव हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब, इसमें इतना ही कहूंगा कि एक जो सीरीज कॉलम की चली करीब 6 साल न्यूज टुडे में, आप और हम साथी थे उसमें जी, उसमें पुलिस और क्राइम, मतलब पुलिस के अनुभव हैं, और वो मेरे पास में, मेरे जहन में रेडीमेड मेरी स्मृतियों में हैं, तो मुझे अलग से कुछ करने का नहीं था, थोड़ा मुझे उन स्मृतियों को ताजा करते हुए और कॉलम लिखने में, देखो ज्यादा मेहनत नहीं करनी भी, छोटे छोटे पीस लिखने होते हैं, तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत उस सीरीज में जो करीब 6 साल चली, जिसका अब खाकी कलम के शीर्षक से किताब नुमा भी आ चुका है। दूसरा जो कॉलम मेरा अभी एक रेगुलर चल रहा है, वीकली कॉलम, वो भी हर संडे को डेली न्यूज में, उसमें मैं आदिवासी मुद्दों को ले रहा हूं, और उसमें मेरा काम किया हुआ है, वो शोध मेरा काम किया हुआ है, तो मुझे वहां भी सामग्री मेरे पास ऑलरेडी है। और एक आपके कॉलम अंग्रेजी में भी चल रहा है जी, वो उसमें डेजर्ट ट्रेल अखबार में है, जिसकी संपादक अमृता मौर्य जी हैं, और वो भी मुझे वीक फोर्टनाइटली कॉलम है वो, और वो इसलिए कि अंग्रेजी में भी हाथ तो आजमाना ही चाहिए ना। नहीं, और आप अच्छी तरह से हाथ अंग्रेजी का अखबार है, उनका आग्रह कि मैं लिखूं, तो फिर मुझे अंग्रेजी में लिखना पड़ा। शुरू में एक आध पीस तो उन्होंने अनुवाद किए,
फिर मैंने कहा काई काई को अनुवाद के चक्कर में पड़े, अपन सीधा ही अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी का मैं भी वो चल रहा है। अच्छा, क्या आप खुद टाइप करते हैं या टाइपिस्ट से टाइप करवाते हैं? डॉक्टर साहब, टाइप के लक्षण आपसे ही सीखे हैं मैंने, और बिल्कुल मैं रोमन में टाइप करता हूँ, सीधा हिंदी में हो जाता है, अंग्रेजी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं सीधा सीधा। और ये अच्छा। भी ये मैं ये बता दूं, ये आज थोड़ा सा मैं 2007 में फील्ड पुलिस का फील्ड का जॉब नौकरी छोड़ के, और मैंने हमारे पुलिस प्रमुख डीजी साहब को कहा कि साहब अब काफी हो चुका फील्ड, अब मैं कुछ अगला जो रिटायरमेंट के बाद की तैयारी करना चाहता हूँ। वो समझे नहीं इस बात को, बट मैंने उनसे आग्रह करके मैं राजस्थान पुलिस एकेडमी एज ए ट्रेनर या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मैं आ गया, एज एसपी, एज डीआईजी, एज आईजी, मैंने वहां जो काम किया राजस्थान पुलिस एकेडमी और बाद में ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में, तो मैंने ये सारी चीजें सीखी, टाइपिंग, कंपोजिंग, पेज सेटिंग, ये सारा का सारा जो है जो मेरे आज काम आ रहा है। अन्यथा तो देखिए, नौकरी के दौरान तो आपको कुछ सुविधाएं मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। उसके बाद में आपको सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो मैं किसी के आश्रित नहीं हूं, मैं पूरा का पूरा काम मैं खुद करता हूं मेरा। आज कागज पेन में तो कोई कई हिंट पॉइंट्स नोट कर ले, वो एक अलग बात है जी। तो मैं तो रिटायरमेंट 5 साल पहले ये तैयारी कर चुका था, मुझे 2012 रिटायरमेंट के बाद में क्या करना है, करना यही था पठन पाठन लेखन का काम, तो इसके लिए मैंने वो 5 साल तैयारी कर ली। मुझे ऑफर भी दिए गए कि अब ये जिला ले लो, अब रेंज ले लो, आईजी बन गए जब, मैंने कहा नो मुझे नहीं चाहिए, फील्ड काफी हो गया, अब ये काम करेंगे अगली तैयारी। मीणा साहब, आपका ये सोच आपको तो संतुष्टि दे ही रहा है, समाज में एक सार्थक हस्तक्षेप कर रहा है, और मुझे ये खुशी है कि क्रेडेंट टीवी के लिए आज मैं आपसे बात करके बहुत कुछ जान सका और अपने दर्शकों श्रोताओं तक भी उन बातों को पहुंचा सका। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरी ये इच्छा रहेगी कि हम अगले किसी एपिसोड में आपसे आपकी कविताओं पर और यात्रा वृत्तांतों पर भी इसी विस्तार के साथ बात कर सकें। एक बार फिर आपका बहुत चैनल कर आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं, आपने मेरा उत्साह वर्धन किया, आगे और अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद, आभार, जय हिंद।